नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की खास खबरें। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नेशनल डॉक्टर्स डे, दोपहर 3 बजे पीएम मोदी डॉक्टर्स को करेंगे संबोधित। गुजरात के जूनागढ़ में आप नेताओं पर हमला, सीएम अरविंद केजरीवाल बोले राज्य में कोई सुरक्षित नहीं। चुनावी बॉन्ड की 17वीं किस्त की आज से शुरू होगी बिक्री, एसबीआई की 29 शाखाएं अधिकृत। अप्रैल मई वाली लू मॉनसून के मौसम में लौटी उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से बुरा हाल। 3 दिन से लगातार बढ़ रहे कोरोना केस, 24 घंटे में 48,878 मामले, 900 लोगों की हुई मौत। खबरों की शुरुआत करते हैं। राजधानी लखनऊ के जिला जेल में औचक निरीक्षण करने के लिए जज, डीएम और पुलिस कमिश्नर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद आला अधिकारियों ने बंदियों के लिए बनने वाले खाने की गुणवत्ता की जांच भी की और रहन सहन की व्यवस्था का भी जायजा लिया। इस पर कुछ बंदियों ने जनपद न्यायाधीश को लिखित शिकायत पत्र दिया है और आला अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लेते हुए जल्द समस्या हल करने का आश्वासन दिया है। अब राजधानी लखनऊ का ट्रैफिक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट यानी कि ITMS से संचालित होगा। शहर के हर चौराहों पर हाईटेक कैमरे और सर्विलांस सिस्टम निगरानी की जाएगी और अगर अब अपने गलती से चौराहे पर ट्रैफिक रूल्स तोड़ा तो ई चालान की जगह ऑनलाइन चालान आपके घर पर दस्तक देगा। बता दें कि 1 जुलाई से ऑनलाइन चालान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पुलिस के लिए भी मददगार साबित होगा। सिस्टम के जरिए पुलिस अधिकारियों को आसानी से ट्रेस कर सकती है। इसके अलावा चोरी की गाड़ियों के नंबर को ट्रेस कर पुलिस अपराधियों को फौरन हिरासत में ले सकती है। वहीं प्रमुख चौराहे यानी हजरतगंज, बंदरिया बाग, लाल बत्ती, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, कपूरथला और पॉलिटेक्निक चौराहे पर ITMS सिस्टम लगाया गया है। वहीं नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि 1 जुलाई से ट्रायल किया जाएगा, उसके बाद ट्रैफिक नियम को लागू किया जाएगा। देखिए, ये इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है और अब हम इसके फाइनल अंतिम चरण में आ गए हैं और इसका अब हम लोग ट्रायल जो है स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंतर्गत सभी चौराहों पर जो है कैमरे लगे हुए हैं और जो भी ट्रैफिक वायलेशन होगा उसको ऑटोमेटिकली वहाँ से डिटेक्ट करके जो वायलेटर है उसके पास एक SMS चला जाएगा, मेल चला जाएगा और हार्ड कॉपी में भी जो है पोस्टल सर्विस के माध्यम से जो है उनको एक नोटिस इसके संबंध में भेजा जाएगा। तो अभी इसी व्यवस्था का जो है ट्रायल रन जो है स्टार्ट किया जाना है और इसमें अगर कोई छोटी मोटी उसमें अगर कोई कमियां हैं तो उसको जो है करेक्ट किया जाए। ट्रैफिक रूल्स की बात की जा रही है कि अब ई चालान नहीं कटेगा, डायरेक्टली ऑनलाइन चालान लोगों के घरों पर जाएगा, तो इसको लेकर ट्रायल किया जाएगा, किस तरह से ट्रायल प्रोसेस होगा? आपको बता दें, आज से राजधानी लखनऊ का जो ट्रैफिक है वो ITMS यानी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट से संचालित होगा। शहर के हर चौराहों पर हाईटेक कैमरा और सर्विलांस सिस्टम से निगरानी की जाएगी। इसके साथ साथ से इन चौराहों पर ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों पर ई चालान जगह ऑनलाइन चालान आपके फोन पर आ जाएगा। जी वही जगह दरअसल कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग कर रहे ट्रैफिक स्टाफ को इन कैमरों की मदद से गाड़ी की नंबर प्लेट को ट्रेस करने में सहूलियत होती है। इससे चालान आपके मोबाइल पर मैसेज के जरिए मिल जाएगा। खैर, किसी फिलहाल आज से ऑनलाइन चालान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दरअसल इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पुलिस के लिए भी काफी मददगार साबित होगा। इस सिस्टम के जरिए पुलिस अपराधियों को आसानी से ट्रेस कर सकती है। इसके अलावा चोरी की गाड़ियों के नंबर को ट्रेस कर पुलिस अपराधियों को फौरन हिरासत में ले सकती है। जी कीर्ति, सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब कैमरे से होगा चालान। रास्ते से कैंटर निकलने को लेकर दो समुदाय के लोगों में विवाद हो गया, इसको लेकर एक बार फिर अलीगढ़ सुलगने लगा है।
बता दें कि गनीमत रही कि मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों के द्वारा मामले में तत्परता दिखाते हुए थाने पर प्रदर्शन कर रहे हिंदुवादियों को कार्रवाई का आश्वासन देते हुए घर भेज दिया गया। दरअसल अलीगढ़ के थाना सराय सुल्तानी में कैंटर में केले लेकर जा रहे विवेक वाणे के साथ विशेष समुदाय के युवक के द्वारा की गई मारपीट के आरोप के बाद माहौल गर्मा गया। दर्जन भर से ज्यादा हिंदुवादियों के द्वारा थाने का घेराव किया गया। वहीं मौके पर पहुंची पूर्व मेयर शकुंतला भारती के द्वारा विशेष समुदाय पर लगातार घटनाएं करने का आरोप भी लगाया गया है। देखिए यहाँ ये कोई पहली घटना नहीं है अलीगढ़ के अंदर। अलीगढ़ एक संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरह की छुटपुट घटनाएं ये मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार कर रहे हैं। इसी अगर हफ्ते की माने तो तीसरी से चौथी घटना है। अभी एक विमल वासनी नामक व्यक्ति यहाँ से सराय सुल्तानी होकर अपना ही गाड़ी लेकर निकल रहे थे, तो एक केले वाले से कहा कि ढकेल को साइड में कर ले, इसी बात पर वो आग बबूला हो गया। उसके अभी सासनी के क्षेत्र में इस मोहल्ले में एक कंटर चालक के साथ कुछ मारपीट की घटना आई थी, वो चौकी पे आए हुए थे, उनके द्वारा जो शिकायत दर्ज कराई गई है उसमें भेज दिया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। औरैया की ग्राम पंचायत चंदौली में कोटा डीलर का नाती सारा कामकाज संभाल रहा है, लेकिन गांव वालों ने उसके ऊपर मनमानी करने का आरोप लगाया और लोगों के साथ अभद्र भाषा का भी प्रयोग करता है। युवक की इस हरकत का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। राशन देने में युवक काफी मनमानी करता दिखाई दे रहा है, इसी वजह से ग्रामीण आक्रोशित है और उसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर मांग कर रहे हैं। इस मामले में गांव वालों ने संबंधित लोगों को शिकायती पत्र भी सौंप दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डीलर हमारे यहाँ का राशन देने में तो 200 सवा 200 कार्ड अपने यहाँ बता रही, हमारे यहाँ लगभग 150-200 कार्ड लोग लेके घूम रहे हैं, किसी को गल्ला नहीं दे रहा और जो गल्ला फ्री में बट रहा। कोठा डीलर जो है बहुत धांधली करता है। क्या नाम? समय पे मलखान सिंह। समय पे कोठा वितरण नहीं करता है और लोगों को अंगूठा लगवा लेता है और गल्ला भी कम देता है, पैसे भी लेता है फ्री पे। जो कोविड वाला गल्ला आया है उस पर ये गल्ला फ्री आना चाहिए, ये प्रति यूनिट के हिसाब से पैसे लेता है और गल्ला भी घटतौली करता है। ये बहुत धांधली है, इसकी काफ़ी शिकायतें मेरे पास लोग जनता करती है। तो आपने अभी तक किसी से शिकायत इस बारे? हमने SDM साहब से शिकायत की, SDM साहब ने नायब तहसीलदार साहब के लिए शिकायत पत्र मेरा भेजा है। अब क्या हो रहा है वो कर्मचारी लोग। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं। अमित, मैं आपसे आना चाहूंगी, कोटा डीलर के नाती के खिलाफ कई शिकायतें मिल रही हैं, किस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, क्या कुछ दिक्कतें ग्रामीणों को आ रही हैं? जी जी, मैम बताना चाहूंगा कि जब मैं मौके पहुंचा तो वहाँ काफी भीड़ और लोग आक्रोशित थे इस बात पे थे कि कोटा डीलर का जो नाती है वो सारा कामकाज देख रहा है। और जब लोग एक बुजुर्ग महिला लगभग उनकी उम्र होगी वही 80 करीब, तो उनसे भी अभद्र भाषा में प्रयोग करता है बात। और इसी लेके जब हम कोटा डीलर घर पे गए तो दोनों लोग वहाँ मौजूद नहीं मिले, ना ही नाती मिला ना ही कोटा डीलर मिले। और गांव वाले काफी आक्रोशित में थे और उन्होंने साफ साफ, उनका कहना है, गांव के प्रधान से भी शिकायत की गई और SDM से भी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही मैम। और इसको लेकर सुनवाई क्यों नहीं की जा रही है? पुलिस अधिकारियों से क्या आपने बात करने की कोशिश की कि क्यों ग्रामीणों की इन समस्याओं का हल नहीं किया जा रहा है? जी, कहीं ना कहीं एक के ऊपर एक हावी तो है ही। उसमें एक आईडियो जो वायरल हुआ है उसमें एक चीज वो ये भी जनता आरोप लगा रही है कि हम हर जगह शिकायत कर चुके, कहीं ना कहीं ले दे के मामला शांत करा दिया जाता है। ठीक है अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा किया। बता दें कि उनकी मांग है कि राशन डीलर अपनी मनमानी से लोगों को परेशान कर रहा है और साथ ही साथ अभद्र भाषा का प्रयोग भी करता है। केंद्रीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और कमेटी के यूपी प्रभारी प्रमोद तिवारी ने प्रतापगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बयान दिया है। कमेटी के यूपी प्रभारी प्रमोद तिवारी ने पटेल बिरादरी की महिला उम्मीदवार माधुरी पटेल के समर्थन देने का उनको ऐलान किया है। प्रमोद तिवारी ने जिला पंचायत के रामपुर खास के राजनीतिक निर्णय को स्पष्ट करते हुए कहा कि क्षेत्र की सीमा इससे लगे क्षेत्र के 10 में से 9 जिला पंचायत सदस्य है, इसलिए वो उम्मीदवार माधुरी पटेल को स्पष्ट समर्थन दे रहे हैं। इनके खिलाफ ना इनके खिलाफ हमारे यहाँ कहीं भी उम्मीदवार उन्होंने खड़ा नहीं,
कि इन लोगों का जो दिमाग में था कि भाई देखिए उन्होंने तो हमारा विरोध भी नहीं किया हम लोग, तो मैं आज जो ये मुख्य प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका बुलाने का उद्देश्य है कि हम जो रामपुर खास से 7-8 लोग यहीं उपस्थित हैं, 8 लोग और दो जो मैंने बताया 10 जो वहां खड़े हैं, लगभग 12 लोग उम्मीदवार माधुरी जी को अपना समर्थन घोषित कर। मनाई में कांग्रेस जिला पंचायत सदस्य के घर प्रशासन द्वारा जेसीबी मशीन लेकर पहुंचने का मामला गर्मा गया है। इस मामले में कांग्रेस जिला पंचायत सदस्य के समर्थन में समाजवादी पार्टी भी आ गई है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ पंचायत सदस्य के घर पहुंचे। सपा जिला अध्यक्ष ने घटना की जानकारी लेकर रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय भेज दी है। इसी के साथ प्रशासन के रवैये की सपाइयों ने निंदा की। इसी के साथ सपाइयों ने प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि किसी भी तरह के गलत प्लानिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर आगे ऐसा कुछ हुआ तो सपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर कर उग्र आंदोलन करेंगे। कानपुर में शादी का झांसा देकर महिला का शारीरिक शोषण किया गया। ज्वेलरी शॉप में जॉब देने के बहाने आरोपी ने महिला से जान पहचान बढ़ाई, उसके बाद शादी का झांसा देकर उससे लाखों रुपए हड़प लिए। इस पूरी घटना के बाद पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने पीड़िता की शिकायत को दर्ज नहीं किया, इसलिए पीड़ित महिला अब न्याय के लिए दर दर भटक रही है। हमारे पड़ोस में ये जितेंद्र सोनी नाम के व्यक्ति रहता है जो हमारी दुकान में हस्बैंड की शॉप पर अक्सर आया जाया करते थे। शाम को हम भी कभी कभी अपनी शॉप पर टहलने के बहाने से जाया करते थे। ऐसे मतलब बातचीत होने लगी वहीं, तो इसके बाद में हस्बैंड मेरे 10 साल शादी के हुए 11वीं लग गया है, 9 साल का हमारा बच्चा है। हस्बैंड मतलब शादी से पहले ही पीते थे, छुपाया गया था। जैसे ही मेरी शादी हुई, शादी के पहले नाइट ही होशो हवास में नहीं थे, मतलब चिलम। थाने आपको क्या वजह है आखिर आने की, क्या आपका लेन देन का मामला है? लेन देन का मामला यही है, मैं 5 महीने से भटक रही हूँ, कहीं इस चौकी भेजा जाता, कहीं इस थाने भेजा जाता। जो मेरी अहरवा चौकी, वहाँ बोले कि आप वहाँ जाइए शॉप पे। जितेंद्र सोनी ने हमसे हमारी पूरी ज्वेलरी ले ली, 2 लाख रुपए लिए, 1,65,000 रुपए लिया, 20,000 रुपए मैं अपनी मम्मी के यहाँ से दिला के लाई। और उसके अलीगढ़ के थाना मजरा के इलाके में फाइनेंस कर्मी के साथ हुई लूट का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पकड़े गए लुटेरों के कब्जे से 72 लाख रुपए नकदी के साथ अवैध तमंचा और कारतूस को भी बरामद किया गया है। साथ ही पकड़े गए शातिरों के ऊपर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। ये थाना मडरा क्षेत्र में 18 तारीख को एक ये घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति के साथ ये लूट की घटना हुई थी। इसमें 3 व्यक्तियों ने उसका मोबाइल और उसका सैमसंग टैबलेट और उसकी बुलेट और साथ ही 1 लाख रुपए कैश उससे लूटा था। तो ये जो वादी है ये एक फाइनेंस कंपनी का काम करता है और ये पैसा इकट्ठे करके अपने घर जा रहा था, उसी दौरान इससे ये घटना हुई। तो हमारी क्राइम टीम और थाने की टीम ने शुरू से इस घटना में काफ़ी मेहनत की, तो हमें जो भी इनपुट मिले उसमें हमने जो वादी के संपर्क के और लोग थे जिनको ये खबर थी कि वो इस दौरान यहाँ से जाएगा, उनसे पूछताछ की और सर्विलांस के माध्यम से भी हमें काफ़ी इनपुट मिला। तो हमने इस घटना का सफल अनावरण किया है। हमने जो 3 लुटेरे हैं उनको मैनपुरी के कृष्ण इलाके में कुछ दिन पहले बदमाश गौ मांस लेकर 2 मीटर साइकिलों पर फरार हो रहे थे। केतपुर गांव में चेकिंग के दौरान बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी और इस दौरान कुछ 2 बदमाशों को भागने में कामयाबी भी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फरार बदमाशों की तलाश के लिए टीमों का गठन किया गया था। इस अभियान में क्षेत्राधिकारी अमर बहादुर सिंह के कुशल नेतृत्व में आज मुख्य आरोपी खंड सरिया बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। शातिर बदमाशों पर पुलिस एक्शन लेते हुए उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रही है। गोमांस बरामदगी के प्रकरण में थाना किसने की पुलिस ने बहुत ही बड़ी कार्रवाई की है। बीते दिनों दिनांक 22/6/2021 को घोर में एक मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ लोग गैर जनपद से गोमांस लेके आ रहे हैं। इस सूचना पे हमारी पुलिस गई तो बाइक से ले आ रहे थे गौमांस ले आने वाले लोगों बाइक छोड़कर और गौमांस छोड़कर वहाँ से फरार हो गए। फिर पशु चिकित्सा अधिकारी को बुलाकर
मांस का परीक्षण कराया गया तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला भी भेजा गया उसका नमूना। फिर पुलिस ने इसमें संज्ञान लेते हुए पता करने लगी कि कहां से फोन करता है, कहां से आता है, क्या इसका सोर्स है। तो पता चला कि हारून और उसके भाई मेन इसमें अभियुक्त हैं। जो ये लोग रामपुर के शाहबाद थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में फायरिंग हुई। फायरिंग में एक पक्ष के एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इसी के साथ घायलों की शिकायत पर लोगों को पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है और जल्द ही आरोपियों को जेल भेज दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।